दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। जानिए क्यों भगवान विष्णु की मूर्ति को बेंगलुरु लाने में दम खींच रहा 240 पहियों वाला ट्रक। पिछले दो साल से तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई शहर में रखी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति की बेंगलुरु के एक मंदिर में स्थापना होनी है। देखा जाए तो यह काम अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है जो मंदिर निर्माण का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार भगवान विष्णु की इस मूर्ति में उनके 11 अवतारों को दर्शाया गया है। इस मूर्ति में श्रीहरि की 22 भुजाएं हैं। शेषनाग जी इस मूर्ति में 7 सिर के भव्य आभामंडल के साथ मौजूद हैं। बता दें कि इस मूर्ति का निर्माण सरकार या किसी संस्था द्वारा नहीं कराया गया है, बल्कि इसका निर्माण एक रिटायर सरकारी डॉक्टर ने अपने सपने को पूरा करने के लिए किया है। इस मूर्ति को ले जाने की सबसे बड़ी वजह है यह पत्थर की शिला पर बनी भगवान विष्णु की मूर्ति 64 फीट लंबी है। लंबाई के साथ ही इसका वजन भी 300 टन है। इन कारणों से मूर्ति को शिफ्ट करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी परेशानियों का सामना करने के बाद अब प्रशासन इस मूर्ति को 240 टायरों वाले ट्रेलर के जरिए तिरुवन्नमलई से बेंगलुरु भेज रहा है। अधिकारियों की माने तो मूर्ति को ट्रेलर पर सही सलामत ले जाने में भी यह मूर्ति बेंगलुरु पहुंचने में करीब 50 दिन लेगी। इसमें इस बात का कोई मत नहीं कि यह बिना किसी टूट फूट के मंदिर तक पहुंच जाए।